भवानी ईशपति, ये वो महिला है जो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिससे बचने की दवा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन में मौजूद है। महिला के वकीलों का दावा है कि ये दवा भारत में इस वक्त मौजूद नहीं है। 31 साल की इस महिला के डॉक्टरों का कहना है कि अगर उसे यात्रा करनी पड़ी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके ब्रिटेन का गृह मंत्रालय इस महिला को इसी हाल में जबरन भारत प्रत्यर्पित यानी कि भारत वापस भेजने पर आमादा है। भवानी ईशपति 2010 में पढ़ाई के सिलसिले में ब्रिटेन गई थी। यहाँ पर वो आर्ट्स इंडस्ट्री में काम कर रही थी। तभी वो क्रोहन नाम की गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। ये बीमारी पाचन तंत्र की समस्या से जुड़ी है। इस बीमारी से इलाज के लिए उसे खास इम्यूनो सुप्रेसेंट की जरूरत है। इस बीमारी की वजह से उसके आंतों में सूजन आ गई है। दिल दहला देने वाली बात ये भी है दोस्तों कि भवानी को ब्रिटेन से निकालने का नोटिस उसके पास उस वक्त पहुंचा जब वो एक बड़े ऑपरेशन के बाद कोमा में चली गई, और अब उनके मंगेतर मार्टिन मैंगलर ने फैसले के खिलाफ अपील की है, जिसका आधार है डॉक्टरों की वो मेडिकल रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि अगर उसे इस हालत में यात्रा करनी पड़ी तो वो मर जाएगी। इससे पहले कोमा में जाने से पहले भवानी ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि जब मेरे शरीर में चारों ओर ट्यूब लगे हुए हैं तो वो मुझे जबरन प्लेन में चढ़ा देंगे, लेकिन मैंने ये भी कहानियां सुनी हैं कि वे बिना किसी कानूनी सहायता का मौका दिए लोगों को वापस भेज देते हैं। भवानी की जिंदगी और मौत की ये जंग ऑनलाइन कैंपेन के तौर पर भी लड़ी जा रही है, जिसे खुद भवानी ने कोमा में जाने से पहले ही शुरू किया था, जिसमें भवानी ने कहा था, लगातार चिकित्सीय देखरेख के अलावा जो चीज मुझे थोड़ा भी ठीक रखती है वो है इम्यूनो सुप्रेसेंट, जो अभी भारत में उपलब्ध नहीं है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय को लगता है कि मुझे ब्रिटेन में रहने के बजाय जरूरी इलाज के लिए भारत लौट जाना चाहिए। उधर ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने अपने यहाँ रहने के भवानी की अपील को खारिज करते हुए कहा है, हम ये स्वीकार करते हैं कि भारत और ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुविधाएं एक जैसी नहीं है, लेकिन इससे आपको यहाँ रहने का अधिकार नहीं मिल जाता। आपने भारत में इलाज कराने की कोई इच्छा शक्ति जाहिर नहीं की है। इस बीच ऑनलाइन कैंपेन का असर कहें या फिर लगातार मीडिया में आ रही खबरों का प्रभाव कि ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है, गृह विभाग को इस मामले में ताजा सबूतों के बारे में पता चला है और इनकी जांच की जा रही है। भवानी के इस ऑनलाइन अभियान को लगातार समर्थन मिल रहा है। उन्हें समर्थन करने वालों में भारतीय मूल के लोगों के अलावा विदेशी भी शामिल हैं। बहरहाल दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई खबर पोस्ट करें वो आप तक पहुंचे सबसे पहले।